66 सीट बीजेपी को जीतना आती है, परिणाम आते हैं जस्ट उल्टा हो जाता है। डर का, लालच का, मंत्री पद, पैसा, भारतीय जनता पार्टी के पास सारी व्यवस्थाएं। तो आइए चर्चा करते हैं प्रदेश प्रवक्ता राम पांडे जी से और जानते हैं इस बार के जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें क्या कुछ होने जा रहा है, जनता जनार्दन किसके सर ताज रखती है ये तो देखने वाली बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं, सर नमस्कार जी। धन्यवाद। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं। हाँ, वो 400 पार ये बता रहे हैं कि पेट्रोल 400 पार के बाद हो जाएगा यदि इस बार भी मुझे मौका दे दिया तो। और 10 साल में जनता देख चुकी है कि मोदी जी कहते क्या हैं, करते क्या हैं, होता क्या है। और इस बार का ये जो चुनाव है इसमें सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखना और संविधान को बचाए रखना, क्योंकि इन 10 सालों में इन दोनों को ख़त्म करने का प्रयास किया गया है। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के भी अभी कई निर्णय देखे हैं, चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव अधिकारी बन जाता है और वहाँ मतदान बीजेपी के फेवर में कर देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है कि ये गलत है। जिन कंपनियों पर ईडी की जांच चल रही है, जो फर्जी कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर जो प्रॉफिट है 2 करोड़ है और 200 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दे रही हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एसबीआई के माध्यम से चंदा लिया जा रहा है। तो जो भाजपा का जो भ्रष्टाचार है वो भी हम कहें इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से सीधे सीधे से जनता के सामने आ रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा देखा जाए तो बेरोज़गारी, आज हमारा युवा बेरोज़गार है। तो जो युवा बेरोज़गार है, आज हमारा देश युवा माना जाता है, तो जिस युवा को देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए, तो जो बेरोज़गार है तो वो अपना एक तरह से योगदान नहीं दे पा रहा है। और सेना की भी हम बात करें तो जो कांग्रेस सरकार के समय 20, 30, 40 साल की जो नौकरी थी उसको घटाकर 4 साल कर दिया गया है। महंगाई की हम बात करें तो हर चीज़ महंगी हो गई है। फिर भी बीजेपी तो विकास के वादे कर रही है और विकास यात्रा निकालकर कई विकास की योजनाओं को गिनाया, चाहे फिर वो लाडली बहना योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, महिलाओं के लिए हो, सशक्ति के लिए हो, या फिर अभी दिल्ली में देखा गया। क्या लग रहा है कि क्या उनकी जो विकास की नीति है और धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनवाया, क्या लग रहा है उन सारी चीज़ों से क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाती है। पहली बात तो धारा 370 हटी नहीं है, 36 सेक्शन पहले ही हट चुके हैं, उसमें से 1-2 सेक्शन और हटा दिए गए हैं। तो हमेशा से उसमें से कुछ ना कुछ कम किया जाता है और ये पिछले 70 सालों से चल रहा है। और धारा 370 हटाना क्या है, संसद में कानून पास कर दिया, ठीक है, धारा 370 हट गई, तो कोई उन्होंने उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। बड़ा काम क्या है, लोगों को रोज़गार देना। आज वो क्या कहते हैं कि हमने पन्ना प्रभारी बना दिया, मंडलम प्रभारी बना दिया। भाई एमबीए एमटेक कर रहा है लड़का तो उसको 1-2 लाख रुपए 50,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए, वो आपके बूथ प्रभारी और पन्ना प्रभारी बनने के लिए थोड़ी बना है। पकौड़े बेचने भी रोज़गार है, अगर एक युवा काम करना चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, ठेला लगा सकता है, पकौड़े बेच सकता है, और भी कई कार्य हैं। ये रोज़गार नहीं है, ये मजबूरी है। इंसान जब योग्यता के अनुसार काम नहीं करता है तो फिर मजबूरी में नहीं मिलता है तो मजबूरी में करता है। यदि कोई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, हाईली एजुकेटेड है और उसको योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है तो फिर वो रिक्शा भी चलाता है, मजदूरी का भी काम करता है, तो इसे रोज़गार नहीं कहते हैं। रोज़गार राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, राम का अभी राम मंदिर बना, क्या लगता है राम मंदिर से खासा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, उसका फ़ायदा मिल सकता है क्या? ये कुछ देखिए, ये चुनाव में राम भगवान हैं, आदर्श हैं, और उनको मुद्दा बनाना, राम भगवान को मुद्दा बनाना ही अपने आप में एक गलत बात है। हमें राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। वो सत्य का उन्होंने पाठ पढ़ाया, वो तपस्वी थे, योगी थे। फिर जो कांग्रेस के नेता थे, बड़े लीडर थे, उनको इनविटेशन दिया गया, फिर भी राम मंदिर नहीं गए, क्या कारण रहा? चार शंकराचार्य नहीं गए, वो क्यों नहीं गए? राम नवमी को उसका उद्घाटन होना था मंदिर का, बिना मुहूर्त के कर दिया गया। राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं किया, गडकरी नहीं गए, राजनाथ नहीं गए, शिवराज सिंह चौहान नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता नहीं गए। और कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि हम दर्शन करने जाएंगे, मंदिर तो कंप्लीट होने दो, अभी 50% मंदिर कंप्लीट हुआ है। मंदिर में जहां मूर्ति रखी है उसके ऊपर का गुंबद नहीं बना है, केवल लोकसभा चुनावों को देखते हुए अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया। और धर्म ये कहता है कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं किया जाता है, और अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया इसलिए हमारे चारों शंकराचार्य विरोध में थे, और चारों शंकराचार्य का भी यही कहना था कि आप मंदिर तो कंप्लीट होने दीजिए, आप चुनाव के लिए मंदिर का अधूरा उद्घाटन कर रहे हैं, ये गलत है। तो हमारे देश के चारों शंकराचार्य भी नाराज़ थे।
तो क्या लग रहा है इस बार 2024 के जो चुनाव हैं, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर आ सकती है या फिर सरकार बनाएगी, एनडीए गठबंधन के साथ सरकार बनेगी? अभी जो रुझान बता रहे हैं, जैसे पहले फेज की वोटिंग हुई है उसमें 10% मतदान कम हुआ है, तो ये बड़ी जनता के बीच में उदासी है, और उदासी ये साबित करती है कि जनता में वर्तमान सरकार को लेकर निराशा है, और 10% वोटर में यदि निराशा है जो वोट डालने ही नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, पीएम पे आरोप भी इंडिया गठबंधन भी लगाता रहा है। जितने भी सर्वे थे, मीडिया के हों या अन्य कंपनीज के हों, सारे सर्वे में बीजेपी की हार बताई जा रही थी। इसको सीट जीतना थी और 66 सीट बीजेपी को जीतना थी, परिणाम आते हैं जस्ट उल्टा हो जाता है। जो कांग्रेस का फिगर था वो बीजेपी का हो जाता है, और बीजेपी का जो फिगर होता है फिगर वो कांग्रेस का हो जाता है। लोकसभा में भी कुछ ऐसा फिगर तो देखने नहीं मिलेगा। अब हमेशा एक प्रयास तो करना ही चाहिए, सारे समीकरण हमें पता है, बीजेपी क्या कर रही है, ईवीएम में क्या कर रही है, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, दो दो मुख्यमंत्री जेल में पड़े हुए हैं, जो लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं उनके यहाँ ईडी की कार्रवाई चल रही है, कमलनाथ जी के यहाँ 4 दिन पहले घर में सर्वे करने के लिए लोग घुस गए, राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर को चेक किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, तो सब कुछ किया जा रहा है, तो चुनाव को तो नहीं छोड़ सकते। ऐसी परिस्थितियों में भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चुनाव लड़ रहा है और सब जनता देख रही है, तो जनता को निर्णय लेना है। यदि जनता चाहती है कि अगले बार भी उनको वोट डालने का मौका मिले तो कांग्रेस को दें, यदि जनता यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी तो हो सकता है अगली बार उन्हें वोट डालने का मौका भी ना मिले। सवाल मेरा और है, लगातार कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं और भी कई बड़े नेता हैं वो कांग्रेस को छोड़ते हुए जा रहे हैं, क्या क्या वजह रह रही है, क्यों कांग्रेस को छोड़ने की जरूरत पड़ रही है? कांग्रेस को जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, जनता को भी पता है, मीडिया को भी पता है, सबको पता है, क्या वातावरण है, सबको पता है, बस एक विमर्श है, और उसमें सबसे बड़ा कारण है भय, नंबर वन कारण है। दूसरा कारण लालच भी है। अब हम जैसे मोदी जी ने कहा था, एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी है, अजीत पवार 70,000 करोड़ के आरोपी हैं और हम इनको जेल में डालेंगे। फडणवीस ने कहा कि हम अजीत पवार को चक्की पिसवाएंगे, तो उनके अंदर एक डर था, अजीत पवार के अंदर, बीजेपी में चले गए, आज डिप्टी सीएम है। ऐसे कई लोग हैं, एक नहीं है, अशोक चौहान कांग्रेस में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर इतना बड़ा आरोप लगाया था कि इन्होंने आदर्श सोसाइटी में घोटाला किया, और जो फ्लैट जो मकान शहीदों को मिलना थे, शहीदों की विधवाओं को मिलना थे, वो अशोक चौहान के परिवार के लोगों को मिल गए, तो अशोक चौहान भी डर के मारे बीजेपी में चले गए। तो मैक्सिमम लोग डर के कारण जा रहे हैं। अभी छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा के जो मेयर हैं कांग्रेस पार्टी से थे, वो बीजेपी में चले गए, लेकिन जिस दिन वोटिंग होती है वो वापस आ गए। तो डर का, लालच का, मंत्री पद, पैसा, भारतीय जनता पार्टी के पास सारी व्यवस्थाएँ, लेकिन जनता को ये सारी बातें पता चल चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे षड्यंत्र कर रही है, और इस कारण जो वोटिंग हुई है वो 10% कम हुई है। अच्छा, आपका जब ग्वालियर लोकसभा सीट से टिकट फाइनल नहीं हुआ था, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कह रहे थे कि वहाँ उनके पास कैंडिडेट नहीं है, क्या कहेंगे? हाँ, भारतीय लग रहा है इस बार प्रवीण पाठक भारत आमने सामने है। नहीं, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस के पास लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने प्रत्याशी भी दिए, और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी कहने लगी कि अरे कांग्रेस के दूसरे अन्य प्रत्याशी थे उनको क्यों नहीं मिला। और हम तुलनात्मक अध्ययन करें मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस के जो नेता हैं या कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा योग्य हैं, ज़्यादा कर्मठ हैं। हम ग्वालियर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं अभी चुनाव हार चुके हैं, भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप हैं, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी हैं हाईली एजुकेटेड हैं, स्कूल के क्षेत्र में उन्होंने विशेष काम किया है, तो जनता ग्वालियर में ये देख रही है। मुरैना की बात करें तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी पिछले से पिछला चुनाव हार चुके थे, जनता उनको नहीं चाह रही थी, और इसलिए ग्वालियर और मुरैना में आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मतलब है उसके नेता और कार्यकर्ता जो ग्वालियर के हैं, कौन-कौन नेता भारतीय जनता पार्टी के लगभग सारे नेता जो प्रत्याशी है उसको छोड़कर लगभग सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराना चाहते हैं, यही कंडीशन मुरैना में है, और मिलती जुलती कंडीशन यही गुना शिवपुरी में है।
तो आपने सुना, हमारे साथ थे प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार पांडे जी, जिन्होंने हमें बताया कि ग्वालियर लोकसभा सीट से तो कांग्रेस विजयी होगी और पूरे भारत में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो लगातार देखते रहें हमारे चैनल जनसारथी को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।